टेक्निकल फिरोज पावर्ड बाय एशिया टेलीकॉम। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। शाबाश, वेरी गुड। क्या किया इसमें? सीपीयू निकाला। सीपीयू निकाले? चालू एंड सेटिंग। आप ही निकाले? जी सर। रिवॉल्व कौन के? मैंने खुद निकाला। लगाए भी आप ही? हाँ। एक बार में हुआ ऑन? एक बार में। बताओ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 5-7 से। कहाँ से? उज्जैन एमपी से। उज्जैन एमपी से। कभी लगाते थे आईसी वगैरह? नहीं लगा। कहाँ सीखे सर? सर ऐसा टेलीकॉम। कौन से लगा लिए अभी तक? सारे। कीपैड में भी लगा लिए? कितने बार लगाए कीपैड में? कीपैड में 10 बार। 10 बार। उसके बाद एंड्रॉइड में क्या? एंड्रॉइड में 4 बार। अच्छा, ये हैंडसेट किसका है? मेरा खुद का है। लाए जब क्या कंडीशन था? सर ये लाए तब से यही चालू नहीं था ना। वो नहीं था। तो इसमें क्या क्या किया अभी तक? सर इसका पावर निकाला, स्वीपर निकाला, ईएमएमसी निकाले। हाँ, पावर निकाले लगाए ऑन हुआ सेट? जी सर। पहले पावर ही निकाला, फिर स्वीपी निकाला। पावर निकाले लगाए ऑन हो गया जी सर। फिर ईएमएमसी निकाल के लगाया ऑन हुआ। अभी क्या किया फिर? सर अब स्वीपी निकाला ऑन हुआ ना अभी। हाँ सर। एक बार इसके लिए क्लैप्स करो भाई जोर से। चलो थैंक यू। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास रेडमी नोट 5A, जिसे Y1 भी बोलते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने इसे ऑलरेडी रिवॉल्व कर लिया है। इसका MSM 8917 CPU है, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने रिबॉल कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी आज 12 दिन की क्लास हो चुकी है और इन्होंने ऑलरेडी 6-7 बार कीपैड में कर लिया है। उसके बाद इसी हैंडसेट का इन्होंने ऑलरेडी पावर निकाल के लगा लिया है और ऑन हुआ है सेट इनका। फिर ईएमएमसी को कर लिया है और अभी ये CPU को कर रहे हैं। मतलब कि ये एक 4G हैंडसेट है जिसमें इन्होंने पावर निकाल के लगाया, सेट को ऑन कर लिया, फिर ईएमएमसी निकाल के लगाया, उसको ऑन कर लिया। अभी इन्होंने यहाँ पे CPU निकाल के लगा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हैंडसेट ही अपने साथ लाए हैं और ऑन हैंडसेट है। और हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट पे हम काम करवाते हैं उनसे ऑन हैंडसेट पे काम करवाते हैं, क्योंकि डेड हैंडसेट पे आप काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको ईएमएमसी या पावर CPU जो भी आप लगाओगे, सही लगा या नहीं लगा, ये आपको कन्फर्म नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हम पूरा ऑन हैंडसेट पे लाइव प्रैक्टिकल कराते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि स्टूडेंट से ही करवाते हैं। हमारे यहाँ पे टीचर लोग एक बार बताते हैं, बट जितनी बार करते हैं सब स्टूडेंट करते हैं। और आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम वीडियो स्टूडेंट के मिलेंगे आपको। तो ये एक खासियत है, एक स्पेशलिटी है एशिया टेलीकॉम की कि यहाँ पे स्टूडेंट काम करता है और टीचर उनको सिखाते हैं। वी टीच यू एंड यू फिक्स इट, ये एक हमारा स्लोगन है। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे काम करना है और आप काम करेंगे। अगर हम करके दिखाएंगे तो इसमें अगर हम ही करते रहेंगे जितने वीडियो से, तो दोस्तों ये एक सही नहीं होगा, क्योंकि टीचर तो कर लेगा लेकिन स्टूडेंट से करवाते हुए लाइव आपको देखना चाहिए और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप काम करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पहले से ही काम कर रहा है, इन्होंने कभी आईसी पे काम नहीं किया था। यहाँ पे हमने इनको सिखाया है 12 दिन के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ आईसी की दिन भर क्लास नहीं होती है, 2-3 घंटे ये प्रैक्टिकल दिन में करते हैं, फिर रात में प्रैक्टिकल करते हैं 3 घंटे, और दिन भर इनकी थ्योरी भी चलती है। तो सारा कुछ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिल के आपको जब मिलता है कॉम्बो, और पर्सनल प्रैक्टिकल नॉलेज जब मिलती है आपको, उसी से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसी से आपका हैंड स्किल अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उनको हीट कितनी रखनी है, एयर कितनी रखनी है, सब हमने ऑलरेडी बता दिया है इनको। जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी पावर भी लगा लिया है, ईएमएमसी लगा लिया है, और इन्होंने ऑलरेडी 10-12 मरतबा इन्होंने कर चुके हैं यहीं पे आने के बाद। तो ये देखिए जैसा कि ये लगा रहे हैं, क्योंकि यही रिवॉल्व किए हैं CPU को और यही अब CPU लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इनको गाइड करते हुए कि कैसे करना है, क्या है, ऑलरेडी इनको सब पता ही है, बट ये डिस्प्ले के लिए पूछ रहे हैं कि डिस्प्ले ला लूँ। तो हमने कहा कि पहले CPU लगवा लो, हम डिस्प्ले दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CPU लगा रहे हैं और ये लाइव वीडियो है फ्रेंड। जैसा आप देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ कट कट करके मैंने इसमें डाला है, स्टूडेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पूरा लाइव बता रहा हूँ और पूरे स्टूडेंट यहाँ पे पीछे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट ये है, सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। और एक आध दो स्टूडेंट का हम ऐसा वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि हम क्या सिखाते हैं और कैसा सिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे CPU लगाते हुए MSM 8917, ये क्वालकॉम का CPU है, 4G हैंडसेट है इनके पास।
और यहाँ पे जो SMD यूज़ कर रहे हैं 857DW+, और हीट इनका है 350 से 380 के बीच में, और एयर रखेंगे बिल्कुल 2 या 3 के बीच में, और नोज़ल को इनको चलाते रहना है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने हाथ को रोकना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पेस्ट CPU के नीचे डालते हुए, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग CPU के ऊपर डालते हैं, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे ये फाइनल टच देते हुए CPU को, ये देख रहे हैं आप इनकी हैंड स्किल कैसी हो चुकी है, कितना अच्छे से ये काम कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर हमने इनको इतना सब कुछ सिखा दिया है। IC लेवल पे तो ये ऐसे काम कर लेंगे कि कोई भी सेट इनको दे दो आप, ये पूरा प्रॉपर कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको IC लगाने निकालने में कोई दिक्कत होगी, चाहे कोई भी आप दे दो। जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं, ये इन्होंने CPU लगा दिया है, और थोड़ा सा कूल होने देते हैं PCB को, और जैसे हमारा PCB कूल होता है, ठंडा हो जाता है, इसे क्लीन करेंगे और ऑन करके देखते हैं कि सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। इसके बाद हमने इनसे पूछा भी है कि आपका 10-12 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप सुनिए इनको ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेरे चैनल पे या आयशा टेलीकॉम पे कुछ फेक वीडियो नहीं होता है फ्रेंड्स। जो भी होता है प्रैक्टिकली होता है और सही होता है, क्योंकि झूठ का सहारा लेके आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे हमेशा सच्चाई के साथ आपको चलना है, जो आप सिखाते हैं, जो आप करते हैं, वही चीज़ आपको बतानी चाहिए। तो अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये फेक वीडियो है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टूडेंट आपके सामने बैठ के कर रहा है, ये कोई हमारे टीचर नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं। और इनको हमने कीपैड भी कराया, उसका रिव्यू लिया, फिर पावर किन से कराया, उसका रिव्यू लिया, फिर CPU इनसे अभी करा रहे हैं, इसका रिव्यू ले रहे हैं। इसके बाद ये ब्लैक पेस्टेड भी करेंगे, ऑलरेडी माइक्रो जंपरिंग ये सीख चुके हैं, कंपोनेंट प्लास्टिक कनेक्टर, और इनकी ट्रेसिंग हो चुकी है, कंपोनेंट पूरे क्लियर हो चुके हैं इनके, और सेक्शन वाइज इनको हमने सारे सेक्शन सिखा दिए हैं, नेटवर्क हो गया, चार्जिंग, लाइट, ग्राफिक, डिस्प्ले। उसके बाद हम इनसे ये सारे काम करवा रहे हैं, और पहले ही दिन से सुबह 8 बजे से जो क्लास चलती है हमारी, यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर हम MMC CPU रिबॉलिंग सिखाते हैं इनको। पहले ही 2 या 3 दिन में इनका क्लियर हो जाता है रिबॉलिंग, और IC लगाना निकालना ये 5 दिन में इनका क्लियर कराते हैं, बट पूरा महीना हमारे पास होता है। तो डेली इनसे किसी न किसी एक हैंडसेट पर काम करवाते हैं कि इनका डेली रूटीन बनी रहे एक IC लगाने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फोल्डर में अपना PCB लगाते हुए, और ये जैसे ही सारे पत्ते लगा लेते हैं, फिर ऑन करके चेक करते हैं कि इनका मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं। तो पूरा एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखें। शाबाश, वेरी गुड। क्या किया इसमें? CPU निकाले, चालू एंड सेट आप ही निकाले? जी। रिवॉल्व कौन के? मैंने लगाए भी आप ही? हाँ। एक बार में हुआ ऑन? एक बार में। बताओ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 5 साल से। कहाँ से? उज्जैन MP से। उज्जैन MP से। कभी लगाते थे IC वगैरह? नहीं लगा। हाँ? नहीं लगा। कहाँ सीखे सो? सर ऐसा डेली को। कौन से लगा लिए अभी तक? सारे। कीपैड में भी लगा लिए? कितने बार लगाए कीपैड में? कीपैड में 10 बार। 10 बार। उसके बाद एंड्रॉइड में क्या? एंड्रॉइड में 4 बार। अच्छा, ये हैंडसेट किसका है? मेरा खुद का है। लाइव जब क्या कंडीशन था? सर ये लाइट अब से यही ऑन ही था ना? ऑन ही था। तो इसमें क्या क्या किया अभी तक? सर इसका पावर निकाला, CPU निकाला, MMC निकाले। हाँ, पावर निकाले, लगाए, ऑन हुआ सेट? जी सर। MMC पहले पावर ही निकाला, फिर CPU निकाला, पावर निकाले, लगाए, ऑन हो गया जी सर। फिर MMC निकाल के लगाया, ऑन हुआ। अभी क्या किया फिर? सर अब CPU निकाला, ऑन हुआ ना अभी? हाँ सर। एक बार इसके लिए क्लैप्स करो भाई जोर से। चलो बताओ मेरे को कि अगर आप साथ में लाते हो तो आपको चालू हैंडसेट लाना चाहिए कि बंद हैंडसेट लाना? चालू हैंडसेट सर। चालू हैंडसेट? चालू हैंडसेट क्यों लाना चाहिए? चालू हैंडसेट ताकि यहाँ का जो भी डर है वो निकल जाए यहाँ पे, है ना? हाँ, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत। देखो, डेड सेट में काम करके कुछ मतलब नहीं है। नहीं है सर, चालू एंड मतलब मुर्दे को लेके कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है बोले जैसी बात है। जी सर, है ना? तो अपने को ऑन सेट पे काम करेंगे तो IC सही लगी नहीं लगी? रियल प्रैक्टिकल होता है ना? जी सर। ठीक है, चलो थैंक यू।